नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। मैं विंदु पात्रा और दर्शकों प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम बिग शख्सियत। और आज के हमारे बिग शख्सियत हैं झारखंड प्रदेश इंटक के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे जी। जी, सबसे पहले राकेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और राकेश्वर जी, सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आपसे कि जो इंटक है वो है क्या, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये किस तरह से मजदूर हित में काम होता है इसके द्वारा। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यही बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। इंटक एक मजदूरों की संस्था है जी। करीब 1943 को, 43 को, 3 मई 1943 तो उन्होंने ये निर्णय उस समय लिया था कि एक स्वतंत्र संस्था ही होगी, मतलब ये प्योरली कांग्रेस के अधीन नहीं होगी। इसको ये अधिकार होगा कि मजदूरों की लड़ाई स्वतंत्र रूप से लड़ेगी इस देश में, भारत में। स्वाभाविक था, आज़ादी के बाद ये चिंता का एक विषय था कि देश में क्या होगा, फिर मजदूरों का क्या होगा। तो इसलिए इसके लिए पहले ही निर्णय ले लिए थे हमारे महान नेताओं ने कि एक मजदूर संस्था का निर्माण बड़ा होना चाहिए। इसके पहले AITUC होता था, उससे ये अलग होकर संस्था बनी थी जो महात्मा गांधी के नीतियों पर काम करती है। ये एक भारतीय लेवल की संस्था है, इसको एक फेडरेशन कह सकते हैं। INTUC होता है, उसका नाम फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये एक फेडरेशन है, राष्ट्रीय फेडरेशन है, नेशनल फेडरेशन है। और जितनी भी देश की यूनियनें होती हैं कारखानों में, एकल कारखानों में होती है, वो संगठित क्षेत्र का हो असंगठित क्षेत्र का हो, उन यूनियन का उसके साथ एफिलिएशन होता है। आज के डेट में करीब 6,500 यूनियन भारत की उससे एफिलेटेड है। तो इसका मतलब इंटक एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फेडरेशन हुआ, जिसके अंदर में भारत की 6,500 यूनियनें आती हैं। और ये 6,500 यूनियनें उनके अंदर काम करते हुए और वहाँ से जो हमारी नेशनल कमेटी होती है, ये पूरे देश के लोग उस कमेटी में पार्टिसिपेट करते हैं, मेंबर होते हैं लोग उसकी मीटिंग में। और फिर जो भी निर्णय लिए जाते हैं सरकार के स्तर पर, अगर वो निर्णय हमारे हित में है, मजदूर के हित में है, तो फिर हम उनका समर्थन करते हैं। अगर कुछ ऐसे नीतिगत फैसले भारत सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा लिया जाता है जो मजदूरों के हित में नहीं है, तो हम उसका विरोध करते हैं। तो इंटक किस तरह से काम करते हैं, तो अगर हम एकदम नीचे स्तर से बात करें कि कोई भी एक मजदूर है जो काफी परेशान है अपनी समस्याओं को लेकर, वो आप तक कैसे अपनी समस्या पहुंचा सकता है? जैसा कि आपने बताया कि हमारा पूरा भारत में नेटवर्क है अपना और स्थानीय स्तर पर हमारे नेतृत्व करने वाले लोग हैं सब, वे कर्मचारी उन मजदूर प्रतिनिधियों के साथ संपर्क में हमेशा रहते हैं रेगुलर। मोस्टली जितने भी लीडर्स हैं वो कारखाने के अंदर से हैं, मजदूरों के बीच से हैं। अच्छा। कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में बना था तो इसमें प्रावधान रखा गया था। 1926 में ऐसे बहुत कम मजदूर होते थे जो मजदूरों की इश्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते थे गवर्नमेंट के सामने और एम्प्लॉयर के सामने। तो कानून बनाने के ज़माने में इस समय देखा गया था, ध्यान रखा गया था कि कुछ ऐसे लोगों को बाहर से उसमें कोप्ट करना बहुत ज़रूरी है जो उन्हें गाइड कर सकें, मदद कर सकें। एम्प्लॉयज को एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि वो कारखाने में बहुत खुलकर लड़ाई नहीं लड़ सकता है, चूँकि एम्प्लॉय होता है और जो कारखाने के अंदर एम्प्लॉय होते हैं वो वर्क स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत गवर्न होते हैं। तो अगर वो मजदूरों के हित की बात करते हैं तो कई बार भारत के प्रबंधन के लोग या दुनिया के प्रबंधन के लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि आप वर्क स्टैंडिंग ऑर्डर का अवहेलना कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, और फिर आपको चार्जशीट सस्पेंशन डिस्चार्ज किया था। इसलिए उसमें कॉप्शन का प्रावधान था एक्ट में ही कि बाहर से मजदूर हित में काम करने वाले लोग, मजदूरों के बारे में सिंपेथाइजर जो हैं उनको कुप किया जा सकता है। तो देश में जितनी भी यूनियनें हैं वहाँ, अगर वहाँ के कर्मचारी चाहते हैं कि बाहर से कोई नेता उनको सपोर्ट करे तो उनको कुप करके अपना नेता बना सकता है। अन्यथा अगर वो फील करता है कि हम स्वयं सक्षम हैं अपने मुद्दों को प्रबंधन के सामने, सरकार के सामने रखने में, तो फिर वो स्वयं नेतृत्व करता है। तो कर्मचारियों का सुविधा इसलिए नहीं होती है कि वो स्थानीय स्तर पर जो नेता हैं उनके पास वो मुद्दों को लेकर जाते हैं और उन्हें जब जरूरत होती है सपोर्ट की स्टेट लीडरशिप के पास या नेशनल लीडरशिप के पास, तो उनसे वो सपोर्ट लेते हैं। अच्छा जी, अब ये हम आपसे जानना चाहेंगे राकेश्वर जी कि इंटक कई भागों में बटा है। जैसे बातें सामने आती है कि कोई संजीवा रेड्डी को, कोई ददई दुबे को, कोई श्री स्वामीनाथन को, कहीं ना कहीं दिनेश सुंदरिया लाल को मानते हैं अध्यक्ष। तो आखिर जो है इंटक का अध्यक्ष किसे माना जाए, हम सब किसे माने, कहीं इसमें गुटबाजी, कुछ ऐसी बातें सामने आती है, इतने नाम क्यों आते हैं इंटक? संस्थाओं में गुटबाजी होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो अनएक्सपेक्टेड है। तो ये परिवार में अगर फैमिली में डिस्प्यूट हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बीच,
भाइयों के बीच हो सकता है, दोस्तों के बीच डिस्प्यूट हो सकता है, डिस्प्यूट कहीं भी हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, ट्रेड यूनियन में हो सकता है, पर पेरेंट्स तो वही रहते हैं। हाँ, अगर घर की हम बात करें, वही बता रहे हैं, वही जस्ट नेक्स्ट हमारा वही आंसर जी, कि भारत के जो इंटक के जो नेता हैं वो केवल और केवल डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी हैं, केवल। राज्य स्तर में नेताओं के बीच में कुछ अनबन जब होती है, मतभेद होते हैं, तो किसी एक को ही नेता उन्हें मानना पड़ता है, दो नेता एक साथ नहीं हो सकता, प्रदेश अध्यक्ष दो तीन तो नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है। तो जब ऐसी हालात आती है तो नेतृत्व को जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है उसको ये राइट है कि वो अपना मान्यता दे कि कौन नेता वहां पर हमारा मान्यता प्राप्त नेता होगा। ये ददी दुबे का जो शुरू हुआ है डिस्प्यूट, वो स्टार्ट हुआ था झारखंड के हमारे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे राजेंद्र सिंह जी, वो उनके साथ वो कम्पीट कर रहे थे, काफी पीछे की बात है ये, और आपस में लोगों में चुनाव में मतभेद हुए थे और दोनों अध्यक्ष बनना चाहते थे स्टेट के और माइंस में कोल फेडरेशन में भी, तो वो विवाद हो गया था। विवाद होने के बाद इंटक ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को संजीवा रेड्डी जी ने अध्यक्ष के रूप में अधिकृत किया कि ये हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष, तो दुबे जी नाराज होकर उससे बाहर निकल गए थे। किसी पार्टी से या किसी बड़ा एक संगठन से, राष्ट्रीय संगठन से कोई बाहर एक आदमी निकल जाए तो वो संगठन नहीं हो सकता है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी में भी बीजेपी बहुत सारे नेता निकल जाते हैं और वो कुछ दिन के लिए छोटे छोटे पार्टियां का निर्माण करके बोलते हैं कि हम उसके नेता हैं, लेकिन वो नेता नहीं हो सकते। अभी भी कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी है, लेकिन देखेंगे आजादी के बाद से तो कितने बड़े बड़े नेता बाहर निकल गए, इसलिए कि उनको सूट नहीं किया, किसी लीडर के साथ उनका पर्सनैलिटी क्लैश था, कुछ कंपटीशन था, और उस पोजिशन को दो तीन चार हो नहीं सकते थे, तो इसलिए लोग छोड़ देते हैं नाराज होकर कई बार बाहर से, फिर आपस जाना गलत है। लेकिन आपने एक बात कही कि नेतृत्व कौन अचुल है, एक्चुअल वो है जिसको भारत सरकार मानती हो, एक्चुअल वो है जिसको कांग्रेस का नेतृत्व मानता है, एक्चुअल वो है जिसका एफिलिएशन भारत के सभी यूनियन के ऊपर है। अगर आप देखेंगे तो केवल डॉक्टर संजीवा रेड्डी का जो इंटक है जिसके हम लोग नेतृत्व हैं करते हैं उनके नेतृत्व में, उसके अलावा इस देश की एक भी यूनियन किसी के पास नहीं है 6,500 यूनियन में। ये महत्वपूर्ण है, उसको चेक करने का तरीका यह है कि जो हमारी यूनियन कारखानों में चलती हैं कहीं भी, वो उनसे एफिलेटेड है कि नहीं, उनको वो नेता मानती है कि नहीं मानती है, क्योंकि वो इलेक्ट करते हैं। हमारे देश के जो ट्रेड यूनियन हैं उसके जो डेलीगेट्स होते हैं कंपनियों के अंदर के, वे लोग इलेक्ट करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ILO उनको मानता है कि नहीं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ICFT उनको मानता है कि नहीं, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियंस दुनिया की। लास्ट टाइम हमारा जो गवर्निंग बॉडी ILO में हुआ था केरला के, मिस्टर एन चंद्रशेखर हमारे हैं वहाँ पर, मिस्टर चंद्रशेखर वहाँ पर हमारे गवर्निंग बॉडी के भी मेंबर हैं भारत से इंटक के तरफ से, उनको वहाँ ILO ISFTU ने सपोर्ट किया था। वोट होता है वहाँ पूरी दुनिया के लोगों के बीच वोट होता है कि गवर्निंग बॉडी में कितने लोग होंगे, कौन होगा, तो भारत से हमारा इंटक का जो लीडर है उसको सपोर्ट किया ILO, उसको सपोर्ट किया ISFTU, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारे के सारे, तो कौन मान्यता प्राप्त नेता होगा। अभी भारत में एक हम लोग ज्वाइंट फोरम बनाए हैं सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए, और कई सालों से प्रयोग बहुत अच्छा रहा है, जबकि दुनिया में पहले हम लोग तो आपस में लड़ते थे। और जब उसके नेता, जब देखिएगा एटक के नेता गुरदास गुप्ता जी थे AITUC के, अभी जस्ट एक्सपायर कर गए, तपन सेन जी MP हैं जो हमारे C2 के नेता हैं, हरभजन सिंह जी हमारे HMS के नेता, ये वैसे नेता हैं जो दूसरे नेशनल सेंटर के टॉप लीडर हैं भारत के, ये सभी लोग अपना डॉक्टर संजीवा रेड्डी के नेतृत्व में काम करते हैं। ये सारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन वो हैं, कन्वेनर वो हैं, और उनके अंदर में भारत के 11 ट्रेड यूनियन और फेडरेशन, इंडिपेंडेंट फेडरेशन भी काम कर रहे हैं। तो नेता कौन हुआ, जिसको गुरुदास गुप्ता भारत का नेता मानते हों, जिसको तपन सेन मानते हों, जिसको हरभजन सिंह जी मानते हों, इस तरह के कितने सेवा के लोग हैं हमारे गुजरात में, वे लोग अपनी मानती हैं, महिलाओं की एक संस्था बहुत बड़ी है दुनिया की वहाँ पर गुजरात में, जितने इंडिपेंडेंट फेडरेशन हैं, जितने बैंक के फेडरेशन हैं, जितने LIC के फेडरेशन हैं, रेलवे के जितने, वो सब अगर संजीवा रेड्डी को नेता मानते तो रहता कौन हुआ। जाहिर सी बात है संजीवा रेड्डी में तो इस बात में कोई डिस्प्यूट इस देश में नहीं है कि एक्चुअल इंटर का लीडर कौन, इंटर का एक्चुअल लीडर मात्र और मात्र केवल डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी है। तो डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी के अंतर्गत आप लोग काम करते हैं उनके नेतृत्व में, लेकिन आपके नाम के साथ भी राजेंद्र सिंह के मौत के बाद उनके पुत्र के द्वारा कहीं ना कहीं विवाद शुरू हुआ आपके विरोध में,
तो ऐसा क्यों, आखिर क्यों इंटक में सब कुशल मंगल? इसको विवाद नहीं कहेंगे, ये लोकतंत्र की ब्यूटी है, ये सबसे अच्छाई है, ब्यूटी है लोकतंत्र की, कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कोई बोल दिया जाए तो फिर कोई अपना विचार नहीं रखता है, दूसरा उसको अधिकार नहीं रखने का। हमारे इंटक में प्रावधान है कि जब कोई सडनली वैकेंसी ऐसी होती है, जैसा कि उन्हें मौत हो गई थी, तो उस समय एडहॉक कमेटी बनाने का पूरे भारत में हमारे संविधान में इंटक के अधिकार है, अध्यक्ष के पास, डॉक्टर जी संजय रेड्डी के पास, कि राज्य के किसी भी हिस्से में कोई ऐसी आपत्ति, मतलब आपातकालीन कोई परिस्थिति पैदा होती है, तो वो इमीडिएट कमेटी वहाँ पर नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, और उसको वहाँ के लोग मानते हैं। राजेंद्र सिंह के बेटे ने उसका विरोध नहीं किया, वे उनको ये पता नहीं, जिस समय वो विरोध शुरू किए थे, जिस समय बोले थे, उनको पता नहीं था कि डॉक्टर संजीवा रेड्डी ने नॉमिनेट किया है। डॉक्टर संजीवा रेड्डी का एक लेटर था जो उनके सेक्रेटरी हैं पीजे राजू, उन्होंने लिखा था कि मिस्टर राकेश्वर पांडे हैज बीन अपॉइंटेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एडहॉक कमिटी ऑफ झारखंड स्टेट प्रदेश, लिखे थे। नीचे में डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी का साइन किया हुआ लेटर था, पूरा कमिटी, एडहॉक कमिटी पूरी बनी हुई थी, 73 लोगों की 75 लोगों। उसको उन्होंने देखा नहीं, तो बिना देखे क्या हुआ कि जल्दी में केवल वो हमारे सेक्रेटरी का लेटर पढ़ करके उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, सेक्रेटरी को कैसे हो सकता है पावर की एडहॉक कमेटी अपॉइंट कर दें, ठीक है। वो जो ही बोले, स्टेटमेंट दिए, कुछ अपना आया था चैनल में, किसी में आया था, जो ही उनको देखे कि नीचे उसका जो अटैचमेंट है उसमें डॉक्टर संजीवा रेड्डी का साइन किया हुआ है, तो तुरंत स्टेटमेंट उन्होंने चेंज कर दिया इमीडिएटली कि नहीं, डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी का जो नॉमिनेशन है या जो ये है उसको हम मानते हैं अपना नेता। यहाँ तक लास्ट में बोले कि राकेश्वर पांडे को अपना नेता मानते हैं, हमारा खाली आग्रह इतना ही है कि इसका चुनाव होना चाहिए, जो अजीब डिमांड है, कोई गलत डिमांड नहीं है। अगर कोई लीडर बोलता है कि इसका चुनाव होना चाहिए समय पर, हमें लगता है कि कोई ऑब्जेक्शनल बात नहीं है, इसको हम उसको विरोधी नहीं मान सकते हैं, हम बोलते हैं ठीक है, वो तो हक है किसी को भी मांगने का। लेकिन 2020 में भी कुछ आवाज़ें आपके खिलाफ बुलंद होने लगी, जैसे कि ये मामला था टाटा ग्रोथ शॉप के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर, आखिर ऐसा क्यों, कहीं सामंजस्य स्थापित करने में कहीं कोई नहीं? इसको सामंजस्य से नहीं हम जोड़ सकते हैं, अगेन आपको कहेंगे कि लोकतंत्र में यही तो सबसे बड़ी एक ब्यूटी है, सुंदरता है यहाँ पर, कि यहाँ जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं वो भी हमको विरोध कर सकते हैं, हमारा यही तो ब्यूटी उनका। अभी तो राजस्थान में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है, मतलब बोलने का मतलब वो विरोधी नहीं माना जा सकता है उसको, सुप्रीम कोर्ट में राज्य लाइन में लास्ट में बोला वो कि नहीं, उसको तो ये नहीं माना जाता है कि विरोधी है। ग्रोथ शॉप में क्या हुआ था कि टाटा स्टील ग्रोथ शॉप में हम करीब 35 साल से उन्हें लड़ रहे हैं वहाँ पर, 35 साल से, और वहाँ हमारे जो कलीग हैं मिस्टर शिवलखन सिंह, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, शिवलखन सिंह जी भी चाहते हैं कि हम कभी जिंदगी में एक बार ये बने, प्रेसिडेंट बने, अभी वो भी रिटायर होने वाले हैं इस 1 अक्टूबर 1 नवंबर से, और हम 1 फरवरी से रिटायर हो गए। तो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने देखा नहीं संविधान को ठीक से, ध्यान से देखा नहीं, तो उनको लगा कि आफ्टर रिटायरमेंट टाटा स्टील में व्यवस्था है अभी कि आफ्टर रिटायरमेंट वहाँ के एम्प्लॉई वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं रह रहे हैं, वो जब कोप्ट होंगे तब होगा, तो एम्प्लॉई के रूप में जो प्रेसिडेंट है वो रिटायरमेंट के बाद छूट हट जाएगा टाटा वर्कर्स यूनियन में। पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका प्रोविजन था कि जो प्रेसिडेंट है यूनियन का या जनरल सेक्रेटरी पदाधिकारी है वो तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक उस यूनियन का इलेक्शन का जो टेन्योर कम्प्लीट नहीं हो जाता है। अच्छा, टेन्योर। तो टाटा वर्कर्स यूनियन में पिछले दिनों रघुनाथ पांडे जी के टाइम में चेंज कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को कि आफ्टर रिटायरमेंट लोग सेपरेट हो जाएंगे, जिसको मजदूरी का संविधान जो है वो पहले वाला ही संविधान, उसमें चेंज नहीं हुआ है, वो टेन्योर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हमारा इलेक्शन हुआ था जो वो 18 के लास्ट में हुआ था, नवंबर में, ठीक है। तो 19, 20, 21 तीन साल का ट्रेड यूनियन एक्ट में टेन्योर है, ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत 3 साल कमेटी को रन करने का है। अच्छा, 3 साल पीरियड होता है उसका एट पर ट्रेड यूनियन एक्ट। तो ये यूनियन अभी 21 के दिसंबर नवंबर तक वैलिड है, चल रहे हैं, ये टीम काम करेगी। लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो सेपरेशन वाली व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो वो लोग, उन्होंने क्या किया कि कुछ हमारे 4-5 साथियों को बुला करके उन्होंने कहा कि पांडे साहब अब रिटायर हो गए हैं, अब इसके बाद तो और कोई है नहीं, सबसे सीनियर हम हैं तो हम अध्यक्ष बन जाएंगे, तो उन्होंने बैठ के डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को। लेकिन बाद में जब वो अपना संविधान पढ़े और देखे, जब देखे कोई लीगल का आदमी उनको एडवाइस किया होगा, जब रजिस्ट्रार के यहाँ गए होंगे, जब टाटा कंपनी के पास गए होंगे मान्यता दिया जाए, तो बोले कि कैसे आपको मान्यता दे सकते हैं, आपको तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि आप ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत चलता है, आपके संविधान के तहत चलता है। तो आप उन्हें देखेंगे, अभी तक ना उनको गवर्नमेंट मान्यता दी है, ना उनको कोर्ट कोई माना है कि वो अध्यक्ष उसके हैं,
न टाटा की मैनेजमेंट उनको मानती है। आज भी अगर एमडी का किसी भी विचार का टाटा का कोई भी लेटर आता तो प्रेसिडेंट राकेश्वर पांडे है, तो इसको डिस्प्यूट नहीं कर सकते हैं। ये महत्वाकांक्षा है जो स्वाभाविक है, लेकिन कुछ और इसको मानकर चलना पड़ेगा नेतृत्वकर्ता को हमेशा कि हमारे बीच में काम करने वाले लोग कभी कभी मुद्दे को मतलब उनको भी महत्वाकांक्षी होना में क्या बुरा है, उनको इंस्पायर करने में क्या दिक्कत है कि हम भी कुछ दिन प्रेसिडेंट रह जाएं, ठीक तो है, बट यही है कि उनको नॉर्म्स के तहत आगे बढ़ना चाहिए। नहीं वो तो सही है, लेकिन कुछ कंपनी प्रबंधन की मेहरबानी से ऐसी बातें सामने आई है कि आपको 18 से 20 यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ऐसे में आप मजदूर हित के लिए कहां से चिंता कर पाते हैं? अगर आप ये बताइए कि इसको जजमेंट आपको करना चाहिए हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर, पहला नंबर आपको बताया कि ट्रेड यूनियन एक्ट में ये प्रोविजन है कि कोप्ट किया जा सकता है, ठीक है, एज पर एक्ट, ठीक है। तो माइकल जॉन साहब तो 50 यूनियन के ये थे, वो प्रेसिडेंट थे, तो क्या कर सकते हैं कि अगर 50 यूनियन के प्रेसिडेंट हैं तो नहीं काम कर सकते हैं वो? नहीं बिल्कुल काम कर सकते हैं। संजीवा रेड्डी साहब 200 यूनियनों के प्रेसिडेंट हैं भारत में, तो ये कर सकते हैं इस आधार पर कि इतनी यूनियन के प्रेसिडेंट हैं इसलिए नहीं काम करते हैं? इसमें मैनेजमेंट की बेहमानी कहाँ आई? लफार्ज में तो टाटा मैनेजमेंट नहीं है, बीओसी कंपनी जो लिंडे ग्रुप है तो टाटा की कंपनी नहीं है, वेबको इंडिया तो जर्मनी की कंपनी है, जेडएफ हो गया वो तो दूसरी कंपनी हो गई, अमेरिकन कंपनी आ गई है, वहाँ तो प्रेसिडेंट, वो तो टाटा की यूनियन नहीं कंपनी नहीं है, मूसाबनी माइंस तो टाटा की कंपनी नहीं है, यूरेनियम कारपोरेशन तो टाटा की कंपनी नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो ये बोलने के लिए तो बोल सकता है, कोई भी आरोप लगा सकता है, तो राजनीति होती है, दूसरे पर आरोप लगाना चाहिए, लेकिन मैं जहाँ हूँ यूनियन में वहाँ चुनकर आता हूँ। ट्रेड यूनियन एक्ट कहता है कि कर्मचारी से प्रतिनिधि जो चुन कर आएंगे उनको राइट होगा अपना नेता चुनने का, जैसे पार्लियामेंट का असेंबली का होता है, एमएलए जो चुन कर आएंगे वो तय करेंगे अपना प्राइम मिनिस्टर, एमपी जो चुन कर आएंगे, एमएलए तो चीफ मिनिस्टर तय करता है, एमपी जो आएंगे वो अपना प्राइम मिनिस्टर तय चुनेंगे, यही है ना नॉर्म्स। अगर ट्रेड यूनियन कहता है कि जो इलेक्टेड कमिटी मेंबर होंगे प्लान से चुने हुए लोग वो अपना प्रेसिडेंट चुन सकते हैं, अगर वो हमको चुनते हैं तो ये कहां से गलत हो गया? तो जिस तरह जो आदमी चुन कर आता है उसको गलत कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आप बोलते हैं हमारे देश में बोला है सोनिया गांधी राहुल गांधी इसलिए ये बनते हैं नेता कि वो उनके परिवार के आदमी है, बोला जाता है ना, लेकिन आप देखें वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते हैं, उस फैमिली का आदमी कोई राज्यसभा से नहीं आता है, आप देखें मार किए हैं। तो अगर बाकी लोग चुनाव लड़कर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी बन सकते हैं तो ये राइट सोनिया गांधी को प्रियंका गांधी को राहुल गांधी को क्यों नहीं है? भारत में भारत का नागरिक है तो बिल्कुल, तो भारत का नागरिक होने के नाते अगर वो चुनाव जीतकर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में आते हैं तो किसी को आपत्ति जताने का कहां अधिकार है उसे कि उस परिवार से आते हैं, वो किसी भी फैमिली से आता हो, इस देश में अगर चुनाव अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़कर आता है एमपी बनकर आता है तो उसको एमपी बनने का राइट है, तो वो भी चुनाव लड़कर आते हैं, वो तो आज तक राज्यसभा में नहीं जाते हैं। ब्यूटीफुल थिंग है कि कम से कम उस परिवार के लोग राज्यसभा में नहीं जाता है, बोलेगा कि नहीं दबाव के चलते बड़े घर के आते हैं इसलिए बना दिया है, वो तो चुनाव लड़ते हैं लोग। अभी राहुल गांधी एक जगह से चुनाव हार गए दूसरे जगह चुनाव लड़के जीत गए, तो ये तो कहना कि नहीं उनके ऊपर कृपा है इसलिए बन जाते हैं, इतना साल कृपा कैसे रह सकता है? 35-40 साल कृपा कैसे किसी की बनी रह जाएगी? मैनेजमेंट में कितने बड़े बड़े बदलाव होते रहते हैं, कितने मैनेजर लेते जाते हैं, सभी कारखानों में हट जाते हैं, मजदूर अगर चाहता है जब तक चाहता रहेगा तब तक हम रहेंगे मरने दम तक। माइकल जॉन साहब का तो बेड पर एक्सपायर कर गए थे वो, तो गोपेश्वर बाबू तो मरने के बाद छोड़े थे, गोपाल बाबू तो हत्या हुई थी तब तक नेता थे वो, रेड्डी साहब तो भारत में 90 साल के हो गए नेता है, भारत के एकमात्र नेता है ट्रेड यूनियन का, एकमात्र नेता, कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो जब तक हमको मजदूर चाहेगा तब तक हम रहेंगे, इसमें किसी को बोलना है बोले, उसको कैसे मुंह बंद कर सकते हैं? लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार है ही उसको। यानी कहीं ना कहीं इस बातों को आप खारिज करते हैं और राजनीति मानते हैं? बिल्कुल खारिज करते हैं। खारिज क्या करते हैं, आपको तो हम लॉजिक दिए, अभी तो खारिज भी करने की बात कहाँ आई। हम आपको बोले कि हमारे देश में कानून कहता है कि चुना हुआ प्रतिनिधि जो कारखाने का है वो अपना अध्यक्ष किसी को भी चुन सकता है, अगर एक्ट कहता है, कोर्ट करने का प्रोविजन है उसमें, और वो अगर चुनने के बाद हमको अपना अध्यक्ष चुन लेता है तो इसमें किसी को बोलने का क्या राइट है? चलिए आप मजदूर हित में काम करते हैं और इतने यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, तो आप मजदूर हित में काम इस कोरोना काल में भी आप कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इस तरह की बातें सामने न्यूज़ में भी हमने देखा कि आप मजदूरों के हित के लिए रैली निकाले आपने, और उसमें जो कम से कम हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी और उस दौरान इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का जो अवहेलना हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस समय हमसे गलती हुई थी इसलिए कि ये कोरोना काल में जो भी गवर्नमेंट की जो डायरेक्टिव है या जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन है, डीसी एसडीओ और
एसएसपी साहब, एसपी साहब जिसका भी, उसे हमें फॉलो करना चाहिए, नागरिक होने का नाते अच्छा नागरिक होने। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप? अच्छा अचानक कुछ भी नहीं हुआ, ये पहले से प्रायोजित था कि हमको पूरे भारत में रैली निकालनी है 3 तारीख को। ये देश का राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी के नेतृत्व में फैसला हुआ था कि 3 तारीख को हम लोग सभी लोग देश में भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे। ठीक है, ये तय हो गया था, ये तय था उस दिन। गलती हमसे क्या हुई, हमने रैली निकाला, वो गलती कुछ नहीं है। रैली में हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए था, ये डायरेक्टिव था, और सबको मास्क का उपयोग करना था। और हमने आम बगान से रैली हमारी निकली थी, और हम हजारों बार अपने साथियों को बोले कि आप लोग सभी लोग अपना मास्क लगा लीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, बार बार चिल्लाते रहे। अति उत्साही लोग, कुछ हमारे लोग फील्ड में होते हैं, ट्रेड यूनियन में, राजनीति में कुछ अति उत्साही लोग होते हैं, और जब ये मीडिया के लोग, फोटोग्राफर लोग आ जाते हैं तो और भूल जाते हैं, ताकि फोटो उनका कवरेज आए ज्यादा आगे, वो और ज्यादा नजदीक चले जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि मीडिया के सामने तो और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, एक्चुअली रखना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उतनी भूल जाते हैं। अति उत्साही लोग जो होते हैं वो पूरे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, ताकि हमारा कवरेज बढ़िया, सबसे अच्छा कवरेज हमारा आना चाहिए, क्योंकि नेशनल में पेपर में थोड़ा फोटो उठाने से अच्छा लगता है, ह्यूमन बींग का थोड़ा स्वभाव है। तो उस क्रम में उन्होंने ये सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल अवहेलना किया, और अगर अवहेलना किया, हम नेतृत्व कर रहे थे, हमारे अंडर में रैली निकलती थी, तो हमको सजा भुगतना चाहिए। अगर हमारे लोगों ने गलती किया तो हमको सजा भुगतनी चाहिए, हमने माना। अच्छा, अब बात आती है कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, वो अभी बुलाए गए हैं, सरकार ने इतनी जद्दोजहद की और उन्हें ले आई है, तो अब ऐसा क्या आपके पास, इंटक के पास ऐसी क्या व्यवस्था है कि जो मजदूर हमारे यहाँ आ गए हैं उसको, प्लस जो पलायन यहाँ से होता है झारखंड से, उसको रोकने के लिए इंटक के पास क्या व्यवस्था है? देखिए, पहला नंबर तो आपको कहेंगे कि ये जो माइग्रेंट लेबर का इशू है, प्रवासी मजदूर, प्रवासी तो एक्चुअली है नहीं, है तो देशवासी, अपने विदेश तो आने ही बेचारे रहे, लेकिन प्रवासी, प्रवासी यूज करते करते लग रहा है कि देश में ही कितना देश है, ऐसा लगता है। अपने देश में आना जाना प्रवासी तो होता नहीं, प्रवासी का मतलब दूसरे देश में रहने वाले, पर देश में एनीवे उसको कुछ भी माना जाए, माइग्रेंट लेबर है हमारे, हमारे यहाँ से राज्यों से, मुख्य रूप से ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से वो लोग जाते हैं दूर काम करने के लिए, और काम करके आते हैं। उनको जो परेशानी हुई कोरोना टाइम में, उसको अपने राज्य में पहुंचाने में सरकार बहुत अच्छा मदद नहीं की है, पहले तो आपको बताया जाना चाहिए। सरकार के पास अपनी रैलियों के लिए हजारों बसें आ जाती हैं एक दिन में, उठा कर लाने के लिए, भाषण सुनने के लिए, उनका भीड़ जुटाने के लिए। उन मजदूरों के लिए बस का भी अभाव हो गया इस देश के पास, लाखों करोड़ों की बात लोग करते हैं, लेकिन बस से उनके घर नहीं पहुंचाई थी सरकार के लोगों ने। कितने लोग रास्ते में मर गए, कितने लोग अपने बच्चे को लेकर आए, कितने लोग बच्चे अपना वो सूटकेस जो होता है ना, फील वाला जो, उसके ऊपर बैठा कर लेकर आए हैं। तो क्या हुआ है वो तो आप मीडिया वाले लोगों ने दिखाया है, पूरी दुनिया देखी है, और भारत के लोग भी देखे हैं। और ये स्थिति भारत सरकार के लिए राज्य सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है। उसको ना आईना की तरह देखना चाहिए कि हमारे देश की सरकार की यही कैपेसिटी है, यही है हमारी औकात है कि हम मजदूरों को एक उसके घर तक पहुंचा नहीं सकते हैं सुरक्षित। नौकरी तो सेकेंडरी है, खाली पहुंचा नहीं सकते हैं। तो ये तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपने पूछा कि इंटक क्या कर रही है, हम लोग इंटक के लोग क्या कर रहे हैं सभी राज्यों में। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम लोगों को यह दिया है, आदेश दिया है संजीवा रेड्डी ने, कि जो स्टेट की कमेटियां हैं उनको एक्टिव हो जाने का है, अपने अपने क्षेत्र में जो लोग आए हैं उनका हम लोग को लिस्ट बनाने का है, तैयार करने का है पूरा, उनके अंदर में क्या स्किल है उसको भी हम लोग को आइडेंटिफाई करने का है, और फिर जितने भी कल कारखाने उद्योग धंधे हैं उसमें हम लोग पता लगाने का है जाकर के कहाँ कहाँ जगह ऐसा है, तो उनसे मेडिएट करके बीच का रास्ता निकालना है, उनके लिए जॉब देने की बात करना है। लेकिन सबका नहीं हो पाएगा, जितनी संख्या में लोग आए हैं वो नहीं आए। इसके बाद हम लोग सरकार से मिल करके उनके एम्प्लॉयमेंट की बात करनी है, उनको रोजगार को, लेकिन डॉक्यूमेंट लेकर के कि कितने लोग उसमें प्लम्बर हैं, कितने लोग टर्नर हैं, कितने मशीनिस्ट हैं, कितना क्या क्या काम जानते हैं, तो उनका स्किल का पूरा हमारे पास मैप होना चाहिए, और मैपिंग करके फिर सरकार से बात करनी चाहिए आगे के लिए। ये काम कोई ऐसा नहीं है कि कोई जादू की तरह 2-4 महीने में कोई कर देगा एम्प्लॉयमेंट, अकल कारखाने खुल जाएंगे, ये ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड तो होना चाहिए, कम से कम पॉजिटिव थिंकिंग तो होनी चाहिए कि नहीं उसके लिए रास्ता निकाला जाए। सफर तो करना शुरू कर दिया है उसका परिवार फैमिली, लेकिन हम लोग का काम है उसमें मदद पहुँचाना। तो अब सरकार से मीटिंग के लिए पहले डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए। आपको पता है कोरोना के समय में मीटिंग भी थोड़ा बहुत ज़्यादा अवॉइड करना पड़ रहा है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्शन है, तो काम थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। लेकिन हम सभी इंटक के लोग लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पहला तो काम किए कि जब माइग्रेंट लेबर के बीच में जाकर काफ़ी हम लोग राशन सन बांटे, हमारी 30-40 यूनियन हैं, हमको लगता है कई लाख का सामग्री ले जाकर बांट दिए सर। यहाँ के रूरल एरिया में भी गए थे, इंटीरियर एरिया में भी जाकर बांटे। तो पहला दुदाई तो एक ही है कि जो हमारे मजदूरों का चंदा कुछ हमारे पास था
वो 10-20 लाख रुपया खर्च करके बांट दिए उनके पास खाने पीने के लिए, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए कंटिन्यूस दो चीज़ है, गवर्नमेंट को कुछ कल कारखाने उद्योग लाने पड़ेंगे, कुछ नया जॉब क्रिएट करना पड़ेगा, और हम लोग का उसमें रोल होगा उनको वहाँ तक पहुँचाएँ, उनकी सूटेबिलिटी को देख करके उनको बीच में हम लोग कॉमन मैन का काम करें या एक लीडर के रूप में ले जाकर उनको अपॉइंटमेंट लाएँ। ये काम लंबा काम है लेकिन लग चुके हैं हम लोग। लेकिन मान लीजिए जिनको आप चिन्हित कर रहे हैं जो काम करने के सक्षम है और जो सक्षम नहीं है, वैसे लोगों के लिए आपके हमेशा हमारे व्यवस्था रहती है, सरकार के पास भी रहती है, यूनियन के पास रहती है, कारखाने में भी रहती है, कारखाने में भी अनस्किल लेबर होते हैं जिनके पास काम नहीं करने का मतलब वो अनस्किल्ड है। अनस्किल्ड लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, हमारी ड्यूटी बनती है। तो ये जितना राज्य में बात किया जाता है कि इतना टेक्निकल इंस्टीट्यूट सब खोला जा रहा है, डिप्लोमा आईटीआई किसके लिए खोला जा रहा है, उन्हीं अनस्किल्ड लोगों के लिए। लेकिन वो क्या आप उनको ट्रेनिंग दें, उन तक ये सूचना मिलती भी नहीं है। आप बताइए कि मनरेगा में क्या इसकी जरूरत है, तालाब खोदने में कोई जरूरत है नहीं, रोड बनाने में कोई दिक्कत है रोड के काम में, लेकिन उनको भी कहां वो मनरेगा में उन्हें ड्यूटी सही से नहीं मिलती है, उसके लिए भी वो आंदोलन। ये प्रॉब्लम सरकार का प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम बताया आप जेन्युइन प्रॉब्लम बताइए सरकार का, यहीं पर हमारा रोल बनता है, इन लोगों का यूनियन का रोल यही बनता है कि जो अनस्किल्ड लोग हैं उसको मनरेगा में काम करने में क्या दिक्कत है, वो तो गारंटेड है, वो तो एक्ट के तहत देना है आपको, वो जॉब दीजिए उसका पैसा पूरा मिले। रोड कंस्ट्रक्शन में क्यों मिलने में क्या दिक्कत है, वहाँ हाईली स्किल्ड लोगों की क्या जरूरत पड़ती है। तो अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर शुरू हो जाती या रियल इस्टेट के काम शुरू हो जाता तो उसमें से बहुत बड़ी संख्या करने लोगों का रोजगार मिल जाता, लेकिन ये काम इमीडिएट स्टार्ट नहीं होगा। तो इसमें गवर्नमेंट से बात करके ये करना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में काम लगाइए, आप प्लांटेशन का काम कर सकते हैं, प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग हरी सब्जी और खेती का काम करवा सकते हैं, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे तो बहुत सारा उत्पादन झारखंड में हो सकता है। आप देखिए झारखंड तो टूरिज्म के लिए बेस्ट प्लेस है, गवर्नमेंट कभी ध्यान नहीं दी, अदरवाइज झारखंड तो टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, कितना एम्प्लॉयमेंट होता। बिल्कुल, मैं वही आपसे बोलने वाली थी कि अगर अगर जैसे कारखाने बंद हैं, अगर उसको शुरू भी कर दें तो उतने हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, अगर टूरिज्म पर यहाँ ध्यान दिया जाए तो पीपीपी के तहत भी यहाँ आराम से खुल सकता था, आराम से खुल सकता था। लेकिन हम ये बात किए थे जब सुबोध कांत सहाय जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे ना, तब मैं उनसे बातचीत किया था कि झारखंड में हम लोगों को टूरिज्म को डेवलप करना चाहिए, और आप देखिए केवल अगर एक आप रोपवे बना दें डिमना से दलमा तक, डिमना से दलमा तक उस रोपवे में कितने आदमी को रोजगार मिल जाएगा, और लाखों लोग दुनिया के आकर लोग देखेंगे, उतनी ऊंचाई से हिल स्टेशन को देखते रहेंगे, कितना सुंदर हो सकता था। एक तरफ डलमा के पास जो झील है देख रहे हैं, पहाड़ी आप गई होंगी ऊपर देखी होंगी, डिमना का वो सीन देखी होंगी, ये दोनों को कनेक्ट कर दे रोपवे से तो कितना बड़ा बिजनेस होता। तो हमारे पास जितने डैम सब हैं, जितने झरने हैं, नदियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है सुंदर, यही यूरोप में होता तो स्वर्ग बन गया होता। यही आप नॉर्थ में क्या करने लोग जाते हैं, यही तो देखने जाते हैं ना, झीली और पर्वत श्रेणियां होती है वहां पर, वो तो हमारे पास है। ये सरकार के इच्छा शक्ति की कमी है, सरकार के पास योजनाओं की कमी है, दूरदर्शिता की कमी है, जिसकी वजह से अदरवाइज झारखंड में तो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आना नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं एज ए लीडर, हमारा काम है सरकार के पास इस मुद्दे को रखना, उनको ये देना, सलाह देना, प्रपोजल देना। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग की सरकार आई है और हम लोग अपना लगे हुए हैं कुछ काम निकालने का, कैसे मजदूरों के लिए कुछ काम किया जाए, हम लोग काम कर रहे हैं अपना, लग गए हैं। क्योंकि ये जो समय है इस समय बहुत ज़रूरी है मजदूरों के हित के लिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मजदूर का सबसे नीचे तबका कौन है, मजदूर है। मजदूरों में अगर सबसे ज़्यादा कोई, उसमें भी कोई सबसे ज़्यादा गरीब होता है तो अनस्किल्ड लोग होता है, बिल्कुल, जो कि अस्थायी प्रवृत्ति में काम करता है, जो ठेका मजदूर में है, कैजुअल में है, दुकानों में काम करता है, ठेले में सामान बेचता है, नहीं वे सब असली लोग हैं, जो नाई के यहाँ काम करते हैं, दाढ़ी बाल बनाने वाले लोग, इस प्रकार की इतनी बड़ी इंडस्ट्री आप देखेंगे हमारे देश में, तो करीब करीब मजदूर 92% असंगठित क्षेत्र में है सब। तो इसके लिए इंटक सरकार इंटक ऑलरेडी काम कर रही है, ऑलरेडी काम कर रही है, लग गए हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीव रेड्डी का आदेश हो गया है, इंस्ट्रक्शन है कि सभी राज्यों में इंटक के लोग जो हैं ये माइग्रेंट लेवल के लिए काम करें, और वो अपना भारत सरकार से नीतिगत बात कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग करते हैं। यानी आने वाले समय में जो है हमारे यहाँ के मजदूर जो है कहीं ना कहीं खुशहाल नजर आएंगे, ऐसा ही हम लोग उम्मीद करते हैं, यही भरोसा करते हैं कि जरूर आने वाला दिन अच्छा होगा हम लोग का, अभी खराब जा रहा है लेकिन आने वाला दिन अच्छा होगा। और सभी देखिए मैम एक चीज आपको बता देते हैं कि यही तो मजदूर हैं जो देश का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, अगर आप सच में अगर माने, सच में माने तो इस धरती का, विश्व का, ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर ने किया है, ईश्वर ने, और ईश्वर के द्वारा निर्माण की हुई चीजों के अलावे जितना भी चीज दुनिया में आपको दिखाई दे रहा है मजदूरों का निर्माण है वो।
तो देखेंगे तो भगवान के बाद तो स्थान उन मजदूरों का है, लेकिन दुर्भाग्य है कि समाज में जो निर्माण करता है वो सबसे ज्यादा नीचे बेचारा है, गरीब है, निर्माण करने वाला सबसे सफर करता है, और ऊपर बैठे हुए लोग राजभोग हैं, यही व्यवस्था है, आराम की जिंदगी जानते, उनके लिए कोरोना भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मस्ती से जिंदगी जीते रहेंगे। तो आपके आने वाले समय में आपके द्वारा इस तरह के कार्य किए जाएं कि ये जो निर्माण करता है कम से कम वो खुश रहे। एक्चुअली हमारा तो लक्ष्य ही वही है, मैं तो उसी लिए जीता ही हूँ, मेरा तो वही काम ही और कुछ काम ही नहीं है, उन्हीं के लिए जीता हूँ, केवल मजदूरों के लिए। चलिए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, हमें भी उम्मीद है कि हमारे आने वाले समय में यहाँ के जो मजदूर हैं वो खुशहाल होंगे और यहाँ से वो दूसरे देश में जाकर कम से कम मजदूरी नहीं करेंगे और यहीं उनको सम्मान मिले, यही आशा हम करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जानकारी दी। और दर्शकों, आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दी न्यूज़। नमस्कार।